हाय नमस्कार दोस्तों, तो आप लोग का स्वागत है फिर से हेल्प टू एवरीवन चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, और जो भी मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको हमेशा जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। वो चाहे कोई भी हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट से हो, किसी भी तरह का कैंपस भी होता है, तो आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को हमेशा अपडेट मिलता रहे। तो हम जो भी बताएंगे वो आपको अपडेट दिखाएंगे क्या क्या है। तो चलिए हम लोग बिना देर के उस नोटिफिकेशन को देखते हैं क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं बीबीजे कोलकाता के लिए है, जो कि कंपनी का नाम है ब्रेट वाइट बर्न एंड जेसॉप कंस्ट्रक्शन को लिमिटेड कंपनी है, जो कि कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज है, जो मुखर्जी रोड कोलकाता में है। ठीक है, तो ये जो निकाली हुई है आईटीआई वाले अप्रेंटिसशिप के लिए निकाली हुई है सिलेक्शन के लिए, तो यहाँ देखिए दिया गया है ब्रेट वाइट बर्न एंड जेसॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इज ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे दिया गया है वो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा apprenticeshipindia.gov पर, उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक एक स्टेप बता रहे ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो, तो इसीलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरे समझ में आए। तो ये जो है ट्रेड अप्रेंटिसशिप फॉर द ईयर ऑफ 2021-22 अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड रूल्स देयर ऑफ इन द फॉलोइंग ग्रेड्स डिसिप्लिन। तो ये जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप है यहाँ पे दिया गया नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 8 जो निकाली गई है, जिसके लिए जो यहाँ पे देखिए मैकेनिक मशीन टूल एंड मेंटेनेंस के लिए जो पोस्ट है उसके लिए 3 पोस्ट है, कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग के असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 2 पोस्ट है, टोटल 8 पोस्ट है, जिसके लिए स्टाइपेंड जो रहेगी 7,700 पर मंथ रहेगा सभी के लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 15 फरवरी 2022 को स्टार्ट हो गई है, क्लोजिंग डेट जो है 28 फरवरी 2022 को है। ठीक है, तो ड्यूरेशन जो रहेगी 1 ईयर की रहेगी, जो कि कोलकाता में आपको यहाँ मिलेगी आपको जॉब प्लेसमेंट, वहाँ जाकर के आपको अप्रेंटिसशिप करना पड़ेगा। उसके बाद सारा चीज़ जो है आपका फाइनल परसेंटेज मार्क के ऊपर ही आपका मेरिट बेस्ड के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होगा। इसमें जो भी सिलेक्शन होगा आपका आईटीआई मेरिट बेस्ड पे ही, जो इसका मार्क ज़्यादा होगा उसका सिलेक्शन होगा। उसके बाद जो है जो भी लोग इस पे NAPS पे नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल ट्रेनिंग पे जो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए हैं तो वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं है। ओनली ITI कैंडिडेट शैल बी अप्लाई। ठीक है, इसकी एज लिमिट जो है 18 से लेकर 30 ईयर्स रखी गई है। कैंडिडेट मस्ट प्रोसीड प्रोड्यूस ओरिजिनल मार्क्स सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस समय जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो करना जरूरी है। तो SC ST PWD OBC वाले कैंडिडेट इसमें भर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट विल बी गवर्न बाय द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। तो जो भी है इसके नॉर्म्स के हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना है, ये सारा चीज़ एक्टिवेट कर दिया गया, तो आप सारा चीज़ एक्टिवेट के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं apprenticeshipindia.in पर जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको इस पर जा करके पूरे फॉर्म को फिलअप करना होगा। उसके बाद इसमें सर्च मारेंगे क्या कि आपको जो है कंपनी का नाम, ठीक है, कंपनी apprenticeship.gov.in/candidate-registration इस पर क्लिक करके सारा चीज़ इस पर भरेंगे फॉर्म को, और उसमें चेक करेंगे कि इसमें ब्रीट वाइट बर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी का नाम है कि नहीं है, उसमें सर्च करके उसके बाद उस पर अप्लाई कर देंगे तो आप लोग अप्लाई हो जाएगा। तो ये टोटल वो प्रोसीजर क्या रहता है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, मैंने इसका जो है एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि NAPS पे हम लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारा प्रोसेस हमने बता रखा है उस वीडियो में, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो और किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए आप लोगों को बताते हैं कि NAPS पे जाकर वहाँ रजिस्ट्रेशन एक एक प्रोसेस को देख लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। फिर भी किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वैसे भी NAPS और NATS यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि आपको ये NATS का है, इसी तरह से NAPS सर्च मारेंगे तो उस पर आपको दिखाएगा। ठीक है, NAPS पे इस पर जाएंगे, यहाँ वेबसाइट पे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ फर्स्ट पेज पे जो जाएंगे यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन पे जा करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका ये दूसरा पेज खुलेगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए इस पे गए कैंडिडेट है, तो कैंडिडेट एस्टेब्लिशमेंट है तो एस्टेब्लिशमेंट, थर्ड पार्टी एग्रीगेटर है तो भी, और BTP बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर है तो भी। ठीक है, तो इस पे कैंडिडेट पे गए थे, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोग का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करके इस फॉर्म को पूरे फिल कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें जो भी फॉर्म दिया गया सबको सबमिट कर देना है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ से लॉगिन करना होगा। ठीक है, लॉगिन करके आप लोग यहाँ से लॉगिन करेंगे, इसमें पासवर्ड आईडी डालेंगे, उसके बाद फॉर्म को इसमें सर्च करेंगे। सर्च क्या करना है तो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया अपॉर्चुनिटी बेसिक ट्रेनिंग गेट स्टार्ट। ठीक है, तो जो भी चीज़ है इस्टेब्लिशमेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यूजर मैनुअल
इस पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है कैसे कैसे करना है। होम पे जाएंगे, होम पेज पे, होम पेज पर जाते ही आपको सारा चीज़ दिखाएगा। कंपनी सबका नाम यहाँ देखिए नीचे में दिखाएगा कि कैसे कौन 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 सी कंपनी में वैकेंसी निकली हुई है, इसमें दिखाता रहता है। यहाँ पर देखिए शक्ति ऑटोमोटर का कंपोनेंट लिमिटेड के लिए है, ऑटोमोबाइल वेल्डिंग के लिए, प्रेस शॉप के लिए है, सीएनसी ऑपरेटर मशीनिंग के लिए है। तो ये इतने सारे निकले हुए हैं, इसमें अप्लाई कीजिएगा। आप लोग का सिलेक्शन होगा तो जरूर है कि बुलाएगा, और आप लोग हमेशा चेक करते रहिए कितने कितने मंथ का है, सारा चीज़ वो डिटेल दिया जाता है। तो ये टोटल पोस्ट रहता है कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, मैं सारा चीज़ बताता हूँ इसलिए कि ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो। फिर भी दिक्कत आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि आपको हम पूरे हेल्प कर सके। तो बस इतना था, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो बस इतना ही था, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।